गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन पंचयितान संस्मरण नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए, एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है, सार्वजनिक है और भ्रांति निवारण पूर्ण है। बनवारी लाल उपमन्यु श्री गंगानगर राजस्थान से है। इनका प्रश्न है कि श्री शालग्राम और तुलसी विवाह जो होता है वो कब से होता है, क्यों करते हैं, किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताने की कृपा करें। प्रणाम कर रहे हैं। शालग्राम और तुलसी विवाह, अब आप कहेंगे भाई इसमें भ्रम क्या है, हमने तो बहुत सुना है भ्रम। इसका सुनिए कि भ्रम यह है कि हमने कहीं भी शालग्राम और तुलसी का विवाह नहीं सुना। हाँ, भगवान श्री कृष्ण से, श्रीमन नारायण से तुलसी के विवाह की पद्धतियां मिलती हैं, परंतु उनका विवाह किसी भी पद्धति में शालग्राम से तुलसी का विवाह हो ऐसा नहीं है। ये इसका अपन अभी विचार करते हैं। देखिए, ग्रंथकार ने, पद्धतिकारों ने, आचार्यों ने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने यही बतलाया है कि ये जो तुलसी जी का विवाह है यह सगुण साकार प्रत्यक्ष मूर्ति रूप में, भले वो स्वर्णमयी मूर्ति की यद्यपि लिखते हैं सब जगह, या प्रतिष्ठित कोई मूर्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है, श्रीमन नारायण का विग्रह है, उससे तुलसी देवी का विवाह कराने का ये जो विधान प्राप्त होता है। अब प्रश्नकर्ता ने ये भी पूछा है भैया किस किस ग्रंथ में है, तो देखिए सनत कुमार संहिता में है, पद्म पुराण में है, विष्णु यामल ग्रंथ में है, कौस्तुभ एक ग्रंथ है ये जो है धर्मशास्त्र का, उसमें धर्म सिंधु में है, और कर्मकांड प्रदीप में है, तथा व्रतोद्यापन चंद्रिका में है, श्री रामचंद्र चंद्रिका में है, और न जाने कितने कर्मकांड के तथा धर्मशास्त्र के तथा ये जो कथाजनक जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, तथा और भी निबंध ग्रंथ हैं, इन सब में तुलसी का विवाह, वर्ष कृत्य हैं, सब में तुलसी का विवाह की चर्चा है। कई पद्धतियां हैं, तो उनमें कहीं भी भगवान शालग्राम से विवाह की चर्चा नहीं है। क्योंकि अरे भाई विचार करिए, शालग्राम जो है वो तो निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक है, निर्गुण निराकार, तो उनके कहां विवाह इत्यादि की चर्चा है। तो ये जो विवाह है वो मुख्य रूप से नारायण भगवान से, और नारायण से भी ज्यादा मुझे तो जो पद्धति मिली है उसमें तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में तुलसी जी के विवाह की चर्चा है। देखिए आप, कई ग्रंथों में, संकल्प में, और बार बार वही लिखते हैं कि तुलसी सम्मुखाम श्री कृष्ण प्रतिमाम कृत्वा प्रतोद्यापन चंद्रिका, है ना, तुलसी श्री कृष्ण प्रतिमाम कृत्वा गो धूल लगने मध्यंतः पटम धृत्वा विवाहान मंगलाष्टक पद्यान पठित्वा अंतरपटम निस्सार्य इत्यादि, जो भी यहां से शुरू होती है। और देखिए पद्धतियों में, विवाह पद्धति में आपने सुना होगा कि जब विवाह होता है तो कन्यादानात पूर्व उभय पक्ष के शाखोच्चार होता है, गोत्रोच्चार शाखोच्चार जो दोनों तरफ के आचार्य लोग करते हैं। तो यहाँ वर तो वर के पक्ष के और कन्या के पक्ष के पूर्वजों का, गोत्रों का, शाखा का उच्चारण होगा कि नहीं, कि विवाह हो रहा, पूरी पद्धति होती है, इसमें पूरा विवाह का विधान होता है। तो देखिए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के
वर के आप गोत्र समझें सुने और आपको पता चल जाएगा कि ये वर के क्या किन की बात चल रही है। ये व्याघ्रपद स गोत्रस्य व्याघ्रपद गर्ग वशिष्ठेति त्रिप्रवरस्य देवमीड बर्मणः प्रपौत्राय। ये भगवान श्री कृष्ण के ही है, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव, उनके पिता सूरसेन और उनके पिता देवमीड। तो देखिए यही चल रहा है। अब व्याघ्रपाद स गोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वशिष्ठेति त्रिप्रवरस्य श्री सूरसेन बर्मणः पौत्राय, इनके पौत्र के लिए। और व्याघ्रपद स गोत्रस्य व्याघ्रपाद गर्ग वशिष्ठेति त्रिप्रवरस्य वसुदेव वर्मणः पुत्राय, इनके पुत्र के लिए। और कृष्ण नाम के वर को, तो इनके दादाजी का नाम देवमीड, बड़े दादाजी का, और इनके जो पितामह का नाम सूरसेन, पिता का नाम वसुदेव, और वर का नाम जो है वर का नाम श्री कृष्ण, कृष्ण रूप वराय, ये कन्या दी जा रही है। और उधर कन्या के आलंबायनस वा जातुकर्ण्यस, जातुकर्ण या आलंबायन, ये दो गोत्रों की चर्चा अलग अलग जो है शास्त्रों में मिलती है तुलसी जी के। तो गोत्रस्य आलंबायन देवल गौतमेति त्रिप्रवरस्य विश्वकार वर्मणः, या विश्वकर्मा है ना, विश्वकर्मा नाम आता है, विश्वकार वो दोनों उन्हीं के नाम है। वर्मणः प्रपौत्रीम, उनकी प्रपौत्री को। आलंबायन गोत्रस्य आलंबायन देवल गौतमेति त्रिप्रवरस्य दक्ष प्रजापति वर्मणः पौत्रीम, दक्ष प्रजापति वर्मा माने छत्री की पौत्री को। और आलंबायन से गोत्रस्य आलंबायन देवल गौतमेति त्रिप्रवरस्य ईश्वर वर्मणः पुत्रीम, ईश्वर की पुत्री को। तुलसी नामनीम कन्याम, और तो भीमहम संप्रदाय, ये सब बात हो जाती बाद में। तो यथाशक्ति अलंकृताम तुलसीम देवीम व्याघ्रपादस गोत्राय दामोदराय श्रीवराय तुभ्यमहम संप्रददे। इस तरीके से वो वर को माने भगवान श्री कृष्ण को कन्यादान कर दिया जाता है। तो ये कन्यादान भगवान श्री कृष्ण को है। तो सबसे पहले ये भ्रम निवारण होना चाहिए कि शालग्राम तुलसी का विवाह कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है, और करते हैं तो वो ठीक नहीं है। वो यद्यपि वो उनका ही विग्रह है, लेकिन लिखा है हस्तपादादि युत प्रतिमा होनी चाहिए, बिल्कुल स्वर्णमयी या पूर्व से प्रतिष्ठित कोई भी जो है प्रतिमा मंदिर में विग्रह, उनसे ही तुलसी जी का विवाह होना चाहिए, कई शास्त्रों में प्रमाण है। इसके लिए ये भी कहा गया है कि यदि किसी कन्या को वैधव्य योग हो या किसी के पुनर्भू योग हो, जो पत्नी विनाशक योग हो, वो भी शांत होता है तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र आदि जो भी इच्छाएं उनकी प्राप्ति होती है, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम होता है, ये सब कार्य जो है करना चाहिए, प्रतिवर्ष के कार्य हैं। किसी ने हमको ये भी पूछा है क्या तुलसी का विवाह गुरु शुक्राष्ट में हो सकता है, तो देखिए हो सकता है। तुलसी का विवाह कब कर सकते हैं, तो तुलसी का विवाह का प्रमाण नौमी दसवीं से, नौमी कार्तिक शुक्ला अक्षय नौमी से लेकर के तीन दिन, नौमी दसवीं एकादशी, और दूसरी जगह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो यूं समझिए कि नौमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत, कार्तिक शुक्ला जो है नौमी से लेकर के और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक, ये किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर करना हो तो नौमी दसवीं एकादशी या दसवीं के बाद एकादशी के बाद पूर्णिमा तक कोई भी विवाह के नक्षत्र में ये कार्य हो सकता है, और ये सायंकाल को गोधूली बेला में, गोधूली लग्न में ही करना चाहिए। और गुरु शुक्रास्त का इसमें दोष नहीं है, क्योंकि ये प्रतिवार्षिक कर्म है,
ये इसलिए कोई प्रतिवर्ष करते हैं तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो इस तरीके से पर करें जो प्रतिमा जो प्रतिष्ठित हो और अवयववान हो। हर हर महादेव।